नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है, ग्राफ बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विथ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर अ गिवन मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, है ना। यहाँ पर हम आपको ग्राफ प्लॉट करके बताते हैं कि ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर हम यहाँ पर वाई एक्सिस लेते हैं, हम यहाँ पर एक्स एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस पर फ्रिक्वेंसी हमको गिवन है, ओके, और वाई एक्सिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है, है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है। और ग्राफ कैसा गिवन है, तो ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है, है ना। यहाँ पर हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर H into nu is equal to work function phi plus kinetic energy. Okay. यहाँ पर ये जो kinetic energy है, maximum kinetic energy, इसको हम लिखेंगे H into nu minus phi. अगर इसे हम y is equal to mx plus c से compare करेंगे, तो kinetic energy को हमने y axis पे लिया है, nu frequency को हमने एक्स एक्सिस पर लिया है, और फाई जो है वो कांस्टेंट सी होगा, ओके, दैट इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये क्या होगा, सी क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सी क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, मतलब इस एक्सिस को अगर हम आगे नीचे एक्सटेंड करते हैं और इस स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलेगा वर्क फंक्शन फाई, ओके। तो ये है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो इसका आंसर होगा बी, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। थैंक यू वेरी मच।